स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 महात्मा गांधी। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। इन इंडिया भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या उन्हें पुकारते हैं। His full name was, उनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2 October 1869 at Porbandar in Kathiawad। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतली बाई और उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी, उसका नाम क्या था? उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। आगे चलते हैं। एक मिनट। यस, गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड kept हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी जो लिव्ड अ लाइफ, कैसा जीवन जीते थे? सामान्य व्यक्ति के जैसे जीवन जिया करते थे। एंड kept हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और अपने आप को लग्जरीज मतलब विलासताओं की चीज़ों से दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वे बहुत ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, और कैसे थे? सत्यनिष्ठ थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही वे ईमानदार और सच्चे थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग अ बैम्बू यॉक। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को एक बांस की टंगी टोकरियों में उठाकर ले जाता था। जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि श्रवण कुमार जो था, उनके जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? ब्लाइंड थे और ओल्ड थे, तो वो उन्हें एक बांस से टंगी हुई टोकरियों में उठाकर ले जाता था। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी उसकी अपने बूढ़े माता पिता के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित थे। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने श्रवण की तरह बनने का और अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। डिसाइड मतलब निश्चय किया। He went to England to obtain a large degree. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. वह कानून की डिग्री पाने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए, है ना? To obtain a law degree मतलब कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए। After obtaining his degree, अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद, he returned to India in 1893. वह 1893 में भारत वापस आ गए। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. वह अपने देशवासियों को जो विदेशी शासन से पीड़ित देखकर बेचैन हो उठे। Restless मतलब बेचैन हो उठे। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना सारा जीवन किसके लिए? अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के उत्थान, और जो ब्रिटिश रूल्स थे ना, उनके चंगुल से देश को आज़ाद कराने में लगा दिया। एंटायर लाइफ मतलब संपूर्ण जीवन। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, दांडी, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई की। ठीक है, स्टार्टेड सत्याग्रह, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई की। एंड कौन कौन से उसमें थे? सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन आंदोलन, और दांडी मार्च, दांडी नमक अभियान, मतलब कि दांडी सॉल्ट मार्च मतलब दांडी नमक मार्च, और क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसऑबिलाइज मूवमेंट और सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। ठीक है,
ये सब उन्होंने शुरू किए ब्रिटिश शासन के खिलाफ आज़ादी की आंदोलन की अगुवाई की और ये सब ये आंदोलन शुरू किए। आगे चलते हैं। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 और अंत में भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुई, आज़ादी मिल गई। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर वर्ल्ड। जो महात्मा गांधी हैं वो पूरे देश में अपने अहिंसा के सिद्धांत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ठीक है, ही लेड सेंटली लाइफ, उन्होंने कैसा जीवन बिताया, संतों वाला जीवन जिया एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस, और वो समाज में फैली हुई सब प्रकार की अन्याय एंड इनइक्वालिटी और असमानता प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में फैली हुई सब प्रकार की अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य, वो क्या करना चाहते थे, वो राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य से उनका अभिप्राय था कि कैसे राज्य का, कि भगवान का राज्य। फॉर हिम, उनके लिए राम एंड रहीम वर वन, उनके लिए कहते थे राम और रहीम एक ही थे एंड सेम डाइटी, और एक ही भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंट्री, देश के लिए उनके महान योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर्स ऑफ नेशन, और बापू, जो भारत के भारतीय हैं उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। ही वॉज असाइनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी कैसी राजनीतिक हत्या कर दी गई। ठीक है, देन 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज द मार्टियर्स डे इन द इंडिया, तब से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट होती है, इसे एक बार पढ़िएगा जरूर। ओके, थैंक यू।